हेलो एवरीवन, मैं हूँ विषय कठेरिया। तो लास्ट हमने जीओसी के अंदर कवर किया था ऑल डेफिनेशन जो हमारा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो हमने उस डेफिनेशन में क्या समझा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो हमें लिविंग सोर्सेज से, लिविंग थिंग्स से मिलता है, और जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलता है वो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये हमारी ऑल डेफिनेशन थी। उसके बाद में ब्रिजेलियस आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक वेटल फोर्स होता है जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए हम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बना सकते हैं। जबकि बाद में फ्रेडरिश बोलर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो ब्रिजेलियस का जो थ्योरी दिया था उसको डिस्प्रूव किया, फेल किया, और उन्होंने बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने जनरेट कैसे किया, उन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और पोटेशियम साइनाइड KCNO। जब इनकी रिएक्शन करवाई तो उन्हें प्राप्त हुआ यहाँ पर NH4CNO, ठीक है, जो हमारा था अमोनियम साइनाइड। उसके बाद में जब उन्होंने इसको डीकम्पोज किया, हीट किया, तो उन्हें यहाँ पर प्राप्त होता यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह से इन्होंने डिस्प्रूव किया ब्रिजेलियस की थ्योरी को। ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। अब हमारी आती है यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखते हैं इसको हम। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल्सो बी रेफर्ड एज हाइड्रोकार्बन, हैंस स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव कौन से थे, सच एज CH3OH, CH3CN इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल्सो बी रेफर्ड एज हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एंड हेंस स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जैसे CH3OH, CH3CN इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और कार्बन, कार्बन मेन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, और इनके डेरिवेटिव्स जो भी होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन थी। अब ये डेफिनेशन होगी, अब इसके बाद में आपको बताता हूँ मैं कि कुछ पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके जो आपको याद रखने हैं। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, साथ में कुछ फ्यू एलिमेंट है जो आपको और देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, फ्यू एलिमेंट कौन से होंगे, वो एलिमेंट होंगे हमारे से कार्बन तो है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और सल्फर। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। साथ में सेकंड पॉइंट इसका हम लेते हैं, हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आपको देखने को मिलेंगे आगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा काफी कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा यहां पर आता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा काफी लो होगा। फोर्थ है कोवलेंट एंड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोकार्बन, वो उनके अंदर आपको कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे हमारे बेड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो हीट होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, जिससे अच्छे कंडक्टर बनते हैं वो। लेकिन ये कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे ये काफी बेड कंडक्टर होंगे। ठीक है ना, सिक्स हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे, मेनली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें ये सोल्यूबल होंगे। सेवन पॉइंट यहां पर आता है हमारा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल। जो भी रिएक्शन होंगी इनकी वो रिवर्सिबल होंगी। ठीक है, आठवां पॉइंट हमारा यहां पे आता है, सो आइसोमेरिज्म। यहां पे आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा एंड होमोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री के लिए जो फर्दर आऊंगा आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये देखने मिलेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा काफी कॉम्प्लेक्स होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको हाइड्रोकार्बन में, और बेड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है, और मेल्टिंग आर मेनली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी आयंस नहीं है इसलिए नॉन पोलर के होंगे। ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होगी और रिवर्सिबल होगी, और यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, होमोलॉजी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।